हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। काफ़ी कुछ पढ़ रखा है हम लोगों ने, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब दो वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है। बच्चों, आप लोग का बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, सबकी डेट शीट आ गई है, सबको पता है कि पेपर कब है, तो जम के तैयारी कीजिए। ये चैप्टर लगभग 10 यूनिट्स में आपका डिवाइड कर करके 10 पार्ट में आपको पढ़ा दिया गया है। पढ़ो, रिवाइज करो, और क्या ही है। तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेक्टर हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स में यूज किए जाते हैं फॉर क्लोनिंग। ठीक है, तो अगर प्लांट्स में बात करें बच्चों, तो प्लांट्स में हम लोगों के लिए जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेशियंस, इसका प्रयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेशियंस, इस बैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि वो वेक्टर की तरह काम आता है, तो काम सुनिए जरा। इस बैक्टीरिया में एक डीएनए होता है जिसको हम लोग टी डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये टी डीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है, ये टी डीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे प्लांट में पहुंच गया तो ये प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है। किस प्रकार के प्लांट में, तो हमारा आंसर है मोस्टली डाइकॉट के प्लांट्स में। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इंफेक्शन कॉज करता है। कैसा इंफेक्शन कॉज करता है, उसमें ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसके पास टी डीएनए होता है। इस प्रकार का टी डीएनए कहलाता है टीआई प्लाज्मिड। दो नंबर में क्वेश्चन इतनी बार आपके बोर्ड में पूछा गया है कि व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड। इट इज कॉल्ड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो किसके द्वारा कॉज होता है, टीडीएनए के द्वारा। ये प्रेजेंट किस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के द्वारा। तो कैसे इसको हम लोग एज ए वेक्टर यूज करेंगे, जरा ध्यान पूर्वक देखते हैं कि कैसे इसको एज ए वेक्टर यूज करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये आपके बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक है, इसका ये पार्ट टीडीएनए का है। ठीक, अगर ये पार्ट प्लांट के अंदर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ट्यूमर को कॉज करेगा। तो हम लोग इसी पार्ट से कट बनाएंगे, इसी पार्ट को कट कर देंगे, यहां से कट कर देंगे, यहां से कट कर देंगे। आई बात समझ में। और कट करके हम लोगों ने इसी पार्ट से क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। इसी पार्ट से क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया। रिकॉम्बिनेंट बनकर तैयार हो गया, जा बन गया कि नहीं आपका बढ़िया सा वेक्टर। बस सिंपल सीधी सी बात है। इस तरीके से हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को प्लांट्स में यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। बन गया कि नहीं बन गया, तो इतना इजी टॉपिक है भैया, जल्दी से समझते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम का बैक्टीरिया है, वो टी डीएनए के थ्रू ट्यूमर इंड्यूस करता है, जो कि प्लांट को बीमार करता है। तो हम लोग इसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव करते हैं, हम लोग इसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं, टर्म को पकड़िए, रिमूव, साफ साफ लिख दे रहे हैं, रिमूव पैथोजेनिसिटी। इसकी क्या रिमूव करते हैं हम लोग, पैथोजन कॉज करने वाला पार्ट गायब कर देते हैं। और पैथोजन पार्ट गायब करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। यहाँ पर ये वाला पार्ट पैथोजन का था, ये जब जा रहा था प्लांट के अंदर तो बीमारी कॉज कर रहा था। इसी पार्ट को कट करके हमने क्या लगा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए का चला गया, इसकी पैथोजेनिसिटी गायब हो गई। अब ये अगर किसी जाएगा किसी भी होस्ट सेल में, बीमारी तो नहीं कॉज करेगा, और जब बीमारी नहीं कॉज करेगा तो जो जैसा हम कैरेक्टर भेजना चाह रहे हैं उसी कैरेक्टर का, वही कैरेक्टर उसके अंदर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, हो गई बात खत्म। तो प्लांट्स में बच्चों, एक तो ये नाम हो गया आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और दूसरा नाम होता है ईकोलाई। इन दो बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग, इन दो बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग प्लांट्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आई बात। फिर हम लोग अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या यूज करते हैं, एनिमल्स में हम लोग रेट्रोवायरस यूज करते हैं। देखिए बच्चों, वायरस के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, रियो वायरस, राइनो वायरस, रेट्रो वायरस, जो कि एनिमल्स में बीमारी कॉज करते हैं। ठीक, तो हम लोग रेट्रो वायरस का प्रयोग करके बड़ी आसानी से, सेम प्रोसेस, मान लीजिए
ये आपका रेट्रोवायरस का प्लाज्मिड है, डीएनए है, और इसमें इस पार्ट के थ्रू, इसमें इस पार्ट के थ्रू ये क्या कॉज कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है। देखिए रेट्रोवायरस की क्वालिटी क्या होती है, रेट्रोवायरस वायरस की क्वालिटी होती है कि इट कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, इट कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। ये बात को ध्यानपूर्वक देखिए भैया, इट कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। तो अगर ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बना रही है, इसका मतलब यार बीमारी कॉज कर रही है, तो हम लोग और एनिमल के अंदर आसानी से घुस भी जा रही है, चली भी जा रही है, तो हम लोग इसकी पैथोजेनिसिटी को रिमूव कर दें बार बार, यही तो प्लांट्स में भी करवाया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी पार्ट में, इसी पार्ट को कट किया, फिर से देखिए यहीं से बना रहा, इसी पार्ट को कट किया और यहां पर अपना क्या डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डाल दिया, बन गया रिकॉम्बिनेंट। फिर से अब अगर ये किसी एनिमल के अंदर गया तो क्या वो पैथोजन के साथ जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि यहां भी क्या गया आपकी गई पैथोजेनिसिटी, यहां पर वो कैस किस प्रकार का पैथोजन कॉज कर रहा था, वो कैंसरस सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा था। लेकिन क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैंसरस सेल का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसके इसी पार्ट को तो कट किया, यही पार्ट कैंसर कॉज कर रहा था, अब हमने इसी पार्ट को कट करके वहां पर रिकॉम्बिनेंट बना दिया। तो इस तरीके से एनिमल्स में रेट्रोवायरस का प्रयोग करेंगे और प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस और साथ ही साथ में ई कोलाई का प्रयोग करेंगे। बहुत बार बच्चों एक नंबर में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसर्शन रीजन पूछा जाता है, उसमें ये पार्ट पूछा जाता है कि प्लांट्स में या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस एज ए वेक्टर किन में यूज होता है, प्लांट्स में या एनिमल्स में। तो ध्यान रखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्लांट्स में करते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों वेक्टर के यूज होने के बाद ये टॉपिक हम लोगों ने सारा पढ़ लिया, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है स्टेप फाइव। उस स्टेप फाइव में हम लोगों को ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना है होस्ट सेल के अंदर। हमने क्या शुरू में बताया था, इस पूरे चैप्टर को सात डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पढ़ेंगे, चार पार्ट पढ़ लिए, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी बातें कर ली, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है स्टेप फाइव। तो कैसे पढ़ेंगे जरा देखें, स्टेप फाइव क्या है, चलिए देखिए जरा, हम लोगों को ट्रांसफर करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो पहले हेडिंग ही समझ लेते हैं, तो क्या हेडिंग है, ट्रांसफर या ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। बस समझ में, हम लोगों को अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ना किसी होस्ट सेल के अंदर भेजना है। बच्चे इसकी बहुत सारी प्रोसेस है, एनिमल में अलग तरीके से भेजा जाता है, प्लांट में अलग तरीके से भेजा जाता है। इसके लिए हमको अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना होगा। कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब होस्ट को उस लायक बनाना होगा कि वो सामने वाले को एक्सेप्ट कर सके। कॉम्पिटेंट का मतलब सामने वाले को एक्सेप्ट कर सके। कॉम्पिटिशन है ना, जैसे उसी का मतलब है कि कंपटीशन वही लोग बीट करते हैं ना जिनके अंदर थोड़ा सा हुजूम होता है, जो जुनून होता है कि हाँ हम पढ़ के ये सब कर सकते हैं, अब इनको पढ़ना ही नहीं है तो लोग क्या कंपटीशन बीट करेंगे, है ना बच्चों। तो इसीलिए हम लोगों को यहां पर टू मेक कॉम्पिटेंट होस्ट, इस प्रोसेस में हम लोगों को होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है। आई बात समझ में, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस पढ़नी होती है, उन प्रोसेस के नाम सुने। सबसे पहली प्रोसेस देखिए बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नाम दिया गया उसमें पहली प्रोसेस में कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको नाम से समझेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, भी समझाते हैं इस प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है। फिर दूसरा प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा प्रोसेस क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है, जीन गन। चौथा प्रोसेस क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन। और पांचवा प्रोसेस क्या है, पांचवा प्रोसेस आपका है पीईजी। भैया ये टॉपिक तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहे हैं। तीसरा टॉपिक है केमिकल मीडिएटेड
जीन ट्रांसफर। सबसे पहले जो नहीं दिया गया एनसीईआरटी में उसको फटाक से समझ लेते हैं, यही वाला प्रोसेस है जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती। जल्दी से समझते हैं बेटू जी। इसमें हम लोग पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम के केमिकल का यूज करते हैं सेल में, मतलब जिस होस्ट सेल के अंदर डालना होगा उसको पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल के केमिकल में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और फिर उस सेल के अंदर आप बड़े प्यार से उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा सकते हो। ये एक छोटी सी बात है, समझ लीजिए। पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर कभी किसी कॉम्पिटिशन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बहरहाल ये जो प्रोसेस आपको दी गई है, नाम से नहीं दी गई लेकिन इसको समझते, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको जरा देखें बच्चों क्या ही है ये। देखिए इस प्रोसेस में देखो साफ सीधी बात है कि डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। पहले चीजों को समझो कि इन प्रोसेस का उपयोग क्यों किया गया। भाई प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर भले सेल वॉल नहीं है लेकिन मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हम लोग को पता है, और हमारा डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। तो जरा देखो कुछ बातों को देखो कि डीएनए एक कैसा मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना। तो अगर ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा बच्चे तो ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन को आसानी से नहीं पास कर पाएगा कि एकदम से बस डिफ्यूजन के थ्रू घुसता चला जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसी के आगे लिखेंगे सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इजिली, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इजिली, नहीं जा पाता भाई, इजिली तो नहीं ट्रांसफर हो पाता। तो हम लोगों को उस होस्ट सेल को क्या बनाना होगा, कॉम्पिटेंट, ऊपर लिखा हुआ है, दैट्स वाई वी मेक टू होस्ट कॉम्पिटेंट। बात समझ में आ गई। अब इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये चार प्रोसेस पढ़नी है। तो इन चार प्रोसेस में पहला प्रोसेस फिर से कह रहे हैं, हेडिंग से नहीं दिया गया ऐसे लिखा गया, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोपोरेशन का क्या मतलब होता है, पोरेशन का मतलब हम लोगों में सेल को थोड़े पोर्स बनाने पड़ेंगे। चलो बात करते हैं। देखो बेटा डीएनए आपका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से हम रब करने जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को लिखिए। चलिए देखिए डीएनए एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो हम लोगों को अगर इस डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर भेजना है, मान लीजिए ये आपकी होस्ट सेल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी होस्ट सेल है, तो बेटा होस्ट सेल को हम लोग इफिशियंट बनाएंगे। कैसे इफिशियंट बनाएंगे, बाय प्रोवाइडिंग डाइवेलेंट कैटायन, मतलब यहाँ पर Mg+2 लगा सकते हो, यहाँ पर Ca+2 लगा सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में Ca+2 लिखा हुआ है, बस उनमें तो डाइवेलेंट कैटायन का प्रयोग कर दिया गया इस होस्ट सेल में, और जो कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप और ये कौन सा डीएनए, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बना के रखा हुआ वेक्टर के साथ, उसको हमको इसके अंदर भेजना है, आई बस उनमें। अब हम लोग क्या करवाएंगे बच्चों, देखिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजने के बाद, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजने के लिए इसमें पोर्स बनाएंगे। इस होस्ट सेल को क्या करेंगे हम लोग, इस होस्ट सेल को पहले रखोगे आइस पर, फिर अचानक से इसको कर दोगे 42 डिग्री सेल्सियस पर, अचानक से इसको गर्मी दे दोगे और फिर अचानक से इसको कर दोगे आइस पर, तो इस तरीके की प्रोसेस कहलाती है हीट शॉक। जिसके कारण इस पूरी सेल में छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। बात समझ में आई, फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इस होस्ट सेल को हमने इफिशियंट बनाया, कैसे इफिशियंट बनाया, बाय प्रोवाइडिंग Ca+2। भाई ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर आपने +2 मॉलिक्यूल का चार्ज लगाया, उधर -1 है, तो अगर इसको इसके ऊपर भेजोगे तो ये ज्यादा इफिशियंट हुआ, खींचेगा कि नहीं डीएनए को अपनी तरफ, ठीक है। तो अगर डीएनए को इसने अपनी तरफ खींचा, खींचने के लिए तैयार हो गए, खींच लिया, कैसे खींचेगा, क्योंकि इसके पास पोर है, वो पोर कैसे बने होंगे इस होस्ट सेल को पहले आइस में डाला, आइस में डालने के बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस तुरंत टेम्परेचर पर डाला, और उसके बाद तुरंत इसको फिर से आइस पर डालकर हम लोगों ने इसको पोर, इसके अंदर पोर्स बना दिए, अब इफिशियंट भी है, पोर भी बन चुके हैं, फटाक से ये डीएनए इसके अंदर एंट्री कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, अब कर जाएगा। इस प्रोसेस को हीट शॉक कहते हैं।
तो ये स्टेप आपकी पहली है, ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। आई बात समझ में बच्चों? अब हमको पढ़ना है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन देखिए, माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्टली हम लोग इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं और इंजेक्शन के प्रयोग से हम लोग दवाई इस डीएनए को डायरेक्टली सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। माइक्रो इंजेक्शन के लिए अंदर कुछ भी नहीं समझना है, माइक्रो इंजेक्शन के लिए हम लोगों को डीएनए का प्रयोग करना है, इंजेक्शन का प्रयोग करना है और इस इंजेक्शन से किसी भी सेल के न्यूक्लियस में, ये सेल है इसके न्यूक्लियस में इस इंजेक्शन के थ्रू इस डीएनए को अंदर भेज दिया। छोटी सी छोटा सा बात है, छोटी सी बात है, इसको समझ लो। माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली किसी भी एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन होता किसके लिए है? माइक्रो इंजेक्शन ओनली फॉर एनिमल्स के लिए होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया बच्चों? अब जीन गन के बारे में सुनो। जीन गन क्या होता है? जीन गन में हम लोग, मान लीजिए ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर कोटिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे। काहे की कोटिंग करेंगे? या तो गोल्ड की कोटिंग करेंगे या तो टंगस्टन की कोटिंग करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने लिख के गोल्ड लिख दे रहे हैं। या तो गोल्ड की कोटिंग करेंगे या तो टंगस्टन की करेंगे और फिर वेरी हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और फिर वेरी हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल के अंदर इसकी बम्बार्डमेंट करवा देंगे। तो लैंग्वेज क्या रहेगी जीन गन की? कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कोट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, और फिर उस गोल्ड और टंगस्टन से कोटिंग की हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हाई वेलोसिटी के साथ किसी भी प्लांट सेल में प्रोड्यूस करा देंगे। तो भैया जीन गन किसके लिए यूज होता है? स्पेशली फॉर प्लांट सेल। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज होता है? स्पेशली फॉर एनिमल्स। ये टॉपिक अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के लिए पढ़ा था। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का हम लोगों ने पैथोजेनिसिटी रिमूव किया था, उसको बिना हाथ का कर दिया था। हम लोगों में अगर हाथ ना हो तो क्या हम लोग अपने स्पेशल काम कर पाएंगे? क्या आप लिख के आपको समझा पाएंगे? नहीं ना। तो बस पैथोजन को डिसार्म करने का मतलब कि पैथोजन ने अपनी पैथोजेनिसिटी ही खो दी, वही तो बात बताई गई थी। जल्दी से इसको एक बार और देख लेते हैं, सारी बातों को नोट कर लीजिएगा बच्चों। बस यही एक टॉपिक बचा है, स्टेप 5 भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 6 और स्टेप 7 के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सीखते हैं। चलिए देखें, अगर हम लोगों को डिसार्म पैथोजन देखना हो, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा उसको फिर से पढ़ रहे हैं, क्या कि आपने कोई प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड का उसका ये पार्ट क्या कॉज कर रहा था? बीमारी कॉज कर रहा था। तो हमने इस पार्ट को कट किया, इस पार्ट को कट किया और इसी पार्ट पर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। तो भैया अब इसकी पैथोजन कॉज करने वाला डीएनए तो कट हो गया ना, लेकिन फिर भी ये एनिमल के अंदर या फिर प्लांट के अंदर तो इंट्रोड्यूस हुआ, तो पैथोजेनिसिटी तो गायब हो गई लेकिन चला तो गया होस्ट सेल में, तो इसका भी तो उपयोग कर सकते हैं भाई। हमारे शरीर के अंदर, मान लीजिए, सोचिए जरा एक बात को, सोचिए जरा कि हमारे शरीर के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया एंट्री कर सकता है। आपको पता है टाइफाइड होता है, इंसानों को होने वाली बीमारी है। सोल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, हमको बीमारी कॉज करता है, हमारे इंटेस्टाइन की बीमारी है। तो अगर इधर उधर का कुछ खा पी लो तभी होती है बीमारी। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे एक अंदर जाता है तो हम लोग सोल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया उठाएं, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, लेकिन उसके उस पार्ट को कट कर दो। भैया अगर हम लोग उस पार्ट को भी भेजेंगे तो बीमारी भी तो कॉज होती रहेगी, तो हम लोग उसके बीमारी जो कॉज करता है वो डीएनए कट कर दो और उसी पार्ट पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दो। अगर फिर वो हमारे शरीर के अंदर आएगा तो क्या बीमारी कॉज करेगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल बीमारी कॉज नहीं करेगा, और बल्कि जो हम लोग हमारे अंदर जो जीन्स आना चाह रहे होंगे ना वो भी आ जाएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इतने प्रकार के स्टेप हम लोग, मतलब इतने प्रकार की प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार फटाफट रिवीजन, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हीट शॉक मेथड से करवाया गया था, माइक्रो इंजेक्शन ओनली फॉर एनिमल्स करवाया गया था, जीन गन ओनली फॉर प्लांट्स करवाया गया था, डिसआर्म पैथोजन में पैथोजन की पैथोजेनिसिटी रिमूव करी गई थी और फिर उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया गया था। ये टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बताया गया कि पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल में अगर किसी सेल को डालोगे
तो वो कॉम्पिटेंट बन जाएगी, उसके अंदर बड़े प्यार से अपने कॉम्पिटेंट डीएनए को भेज सकते हो। तो बच्चों ये टॉपिक आज यही खत्म होता है, कल मिलेंगे लास्ट टॉपिक के साथ और आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। वेरी वेरी थैंक यू।